सांसद और विधायकों द्वारा गोद लिए गए आदर्श ग्रामों में विकास की कार्य योजना को लेकर आयोजित इस संभाग स्तरीय प्रशिक्षण में पांचों जिले के जिला पंचायत सीईओ, जनपद पंचायतों के सीईओ और जनप्रतिनिधियों को किस तरह से प्राथमिकताएं निर्धारित की जानी है, इसकी जानकारी दी गई। व्हाट्सएप रखी गई है कि विधायक आदर्श ग्राम को कैसे आदर्श के रूप में विकसित किया जाए। मैंने ये कहा है कि विधायक आदर्श ग्राम जो है आधुनिक और विकसित भारत का एक मॉडल के रूप में उसको निर्माण किया जाए। आदर्श ग्रामों में स्वच्छता पर विशेष जोर देते हुए मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध कराने इस दौरान कहा गया। आधुनिक भारत, विकसित भारत, ग्रामीण भारत और जो शहरी भारत है उसका बेहतर तालमेल के साथ इन ग्रामों का विकास किया जाए। इसमें बहुत सारे मार्गदर्शी सिद्धांत है और बहुत सारे पैरामीटर्स है, जिसमें शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, साक्षरता की बात हो, कनेक्टिविटी की बात हो, या वहाँ पे जो पर्यावरण की बात हो, निःशक्तजन की बात हो, पेंशन की बात हो, जितने हमारे शासन के योजनाएं हैं उसका बेहतर क्रियान्वयन की बात कही गई है। आदर्श ग्राम के उद्देश्य को पूर्ण करने की मंशा से कार्य करने अधिकारियों को जुटने कहा गया, जिसमें ग्राम सभाओं के माध्यम प्राथमिकताएं तय करने, फिर उनके निराकरण के लिए कार्य करने निर्देशित किए गए। प्रशिक्षण में अपर विकास सचिव सुभाष मिश्र ने सभी अधिकारियों को गंभीरता से कार्य करने निर्देश देते हुए समीक्षा भी करने की हिदायत दी। कैमरामैन भुवनेश्वर बंजारे के साथ रमेश राजपूत, सिटी न्यूज, बिलासपुर।